प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों technicalextension.com में जाइए, और हम लोगों का टेक्निकल एक्सटेंशन वेबसाइट पब्लिश कर दिया गया है, तो जल्दी से जाइए आज ही technicalextension.com में विजिट कीजिए। दोस्तों आज जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ ये वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर है। आपको पता ही चल गया क्योंकि आप लोग थंबनेल पे देखें कि वर्डप्रेस का फोल्डर का साइज कैसे आपको पता करना है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड से। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए मेरा ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मेरा यहाँ पे है ज़ैम्प में है। ओके, लोकल होस्ट ज़ैम्प में हम इंस्टॉल किए हैं वर्डप्रेस। ये देखिए टी फोल्डर के अंदर मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये टेक्निकल एक्सटेंशन साइट को बनाया है। ये देखिए ये मेरा साइट है, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है जब ये लाइव सर्वर में अपलोड हुआ है, और ये है उसका डैशबोर्ड। ये देखिए लोकल होस्ट है, तो यानी ये जैम से चल रहा है, और ये जो है technicalextension.com ये मेरा लाइव सर्वर पे है। ओके, तो ये जो लाइव सर्वर पे है, इस पे अगर आपको देखना है कि ये पूरा जो मेरा वर्डप्रेस का साइट है, यानी वर्डप्रेस का जो फोल्डर है, वो फोल्डर का साइज क्या हो चुका है इतना कंटेंट लिखने के बाद, तो मेरे को सी पैनल से फाइल मैनेजर में जाके चेक करना पड़ेगा। और ज़ैम्प में अगर आपको देखना है तो ज़ैम्प में अगर सिंपल सा बात है, ज़ैम्प में अगर देखना है तो आपको सी ड्राइव पे आना है, ज़ैम्प फोल्डर के अंदर आना है, उसके बाद एचटी डॉक्स जहाँ पे आपका इंस्टॉल हुआ है जिस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जाना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटेंट है, तो ये फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 207 MB साइज ऑन डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पे कितना फाइल्स फोल्डर है वो भी शो हो रहा है। लेकिन अगर आपको पता करना है कि ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ से ही मेरे को पता चल जाए कि कितना साइज ये ले रहा है सर्वर में, ऐसा ना हो कि आपका सर्वर में बहुत ज़्यादा स्पेस आपका वेबसाइट ही ले रहा है। अगर मान लीजिए 500 MB आपका साइज था, उसके बाद आप जब सर्वर में अपलोड किए, एक दो दिन में आप देख रहे हैं 1 GB 2 GB क्रॉस करके जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है स्पैम कुछ फोल्डर जनरेट हो रहा है, या तो लॉक फाइल ज़्यादा जनरेट हो रहा है, या तो स्पैम मैसेज आना शुरू हो गया जिसके अंदर कुछ अटैचमेंट है जो वायरस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है साइट हेल्थ, डैशबोर्ड से आपको टूल्स, टूल्स से आपको साइट हेल्थ जाना है। जैसे आप साइट हेल्थ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग बोल के आ रहा है, और यहाँ पे गुड आ गया। इसका मतलब है आपका जो अभी साइट चल रहा है उसमें 4 रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स वर्डप्रेस शो कर रहा है, और पास्ट टेस्ट यानी जो टेस्ट पास हो चुका है वो है 17 आइटम, जो परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के मामले में ये पास हो चुका है। और ये जो है यहाँ से आप चेक करके धीरे धीरे अपने साइट को आप अपग्रेड कर सकते हैं, आपको और बेहतर आप सिक्योरिटी और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटस के बगल में और एक चीज़ है इन्फो। जैसे ही आप इन्फो में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे देखिए साइट हेल्थ इन्फो, कॉपी साइट इन्फो टू क्लिपबोर्ड, और उसके नीचे देखिए वर्डप्रेस डायरेक्टरीज एंड साइजेस, एक्टिव थीम, इनएक्टिव थीम, एक्टिव प्लगइन्स, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करके कि वर्डप्रेस मेरा कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, कौन सा फोल्डर में इंस्टॉल किया हुआ, वो यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे डायरेक्टरीज में गए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्डप्रेस डायरेक्टरी साइज 127.16 MB है, अपलोड डायरेक्टरी साइज 14.16 MB, मतलब बाहर से हम जो डेटा अपलोड किए इसमें उसका साइज है 14.65 MB, थीम का साइज है 17 MB, और यहाँ पे प्लगइन का जो फोल्डर है उसका साइज है 41 MB, और डेटाबेस साइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टोटल इंस्टॉलेशन साइज है आपका सर्वर पे, मतलब मेरा लोकल होस्ट पे है अभी, तो इसका है 205.33 MB। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग डायरेक्टरीज का साइज आप देख सकते हैं। ये देखिए डेटाबेस में जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन MySQLi यहाँ पे यूज हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यूजर नेम रूट, होस्ट लोकल होस्ट ही है, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अलाउड पैकेट साइज, मैक्सिमम कनेक्शन नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग सर्वर में भी जाएंगे, सर्वर का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये देखिए PHP मेमोरी लिमिट, मैक्सिमम इनपुट टाइम, अपलोड फाइल साइज। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मेरे को करते हैं कि सर ये कैसे हम लोग वर्डप्रेस का डैशबोर्ड से अपलोड मैक्स फाइल साइज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, PHP पोस्ट मैक्स साइज भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए इनएक्टिव थीम्स में आप देख पाएंगे कि कौन सा थीम इनएक्टिव है,
और यहाँ पे एक्टिव थीम भी यहाँ पे शो हो रहा है और वर्जन क्या चल रहा है वो भी आपका शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ऑटो अपडेट डिसेबल किया हुआ है। यहाँ पे एक्टिव प्लगइन्स, जितने भी प्लगइन्स आप इंस्टॉल करके एक्टिव करके रखते हैं, यहाँ पे इनएक्टिव प्लगइन्स, जो प्लगइन्स आप ऑफ करके रखे। यहाँ पे देखिए मीडिया हैंडलिंग बोल के दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज ऑफ पोस्ट डेटा अलाउड और मैक्सिमम साइज ऑफ एन अपलोडेड फाइल, यहाँ पे पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्डप्रेस कांस्टेंट बोल के, दिस सेटिंग्स ऑल्टर वेयर एंड हाउ पार्ट्स ऑफ वर्डप्रेस आर लोडेड, कहाँ पे कौन सा पार्ट्स यहाँ पे लोडेड हुआ है। यहाँ पे देखिए एचटीडॉक्स के अंदर टी के अंदर मेन फोल्डर है, उसके अंदर डब्ल्यूपी कंटेंट है और WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।